हेलो गाइस, सेकुन नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर के बारे में। डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, इधर पर आपको क्या इंटर करना है। अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में अपना एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए जाते हो, इधर पर आप अपनी डिटेल वगैरह देते हो, तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट नंबर का। तो आपको इधर पर कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर डालना, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आज इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट नंबर के बारे में। गाइस, इधर पर आप ऊपर की तरफ नज़र डालिए, आपके सामने एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट आईडी प्रूफ का। तो आप जब इधर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हो तो इधर पर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर आप इधर पर वोटर आईडी को सिलेक्ट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट में अपने वोटर आईडी का नंबर डालना है। तो कुछ यही रहता है इधर पर डॉक्यूमेंट नंबर का, मतलब यही रहता है कि आपको इधर पर जो भी आप आईडी प्रूफ को सिलेक्ट करते हो वही चीज़ का आपको इधर पर नंबर डालना है। तो मुझे लगता है आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।